हेलो बच्चों, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th कक्षा 11 का विषय पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान। और राजनीति विज्ञान की आपकी जो पुस्तक है खंड ए राजनीति विज्ञान के मूल आधार की इकाई का अध्याय 7वां, जिसका नाम है राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, दैवीय शक्ति मात्र व पितृसत्तात्मक। बच्चों, हमारा जो अध्याय है राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के कुछ टॉपिक्स हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं और हमारे जो कुछ टॉपिक्स बच गए हैं वो हम पार्ट 2 में पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा अध्याय। बच्चों, हम दैवीय सिद्धांत और पितृसत्तात्मक सिद्धांत पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं और अब हम पढ़ेंगे मातृसत्तात्मक सिद्धांत। ये क्या है वो हम देखेंगे। इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक मैकलेनन, मार्गन और जंक्स है। इन व्याख्याकारों ने अपनी पुस्तकों में इस सिद्धांत की व्याख्या की है। मातृ प्रधान सिद्धांत के समर्थकों का मानना है, यानी कि जो मातृ प्रधान सिद्धांत के जो 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 समर्थन करते हैं उनका मानना है कि प्राचीन समाज में स्थायी विवाह की संस्थाएं नहीं थी, यानी कि एक स्थायी विवाह का कोई परंपरा नहीं थी। समाज में बहुपतित्व की व्यवस्था थी। बहुपतित्व होता है बच्चों की, एक ही नारी के बहुत सारे पति होते हैं, उसे क्या कहते हैं, बहुपतित्व। इस व्यवस्था में नारी के अनेक पति होते थे। उनकी होने वाली संतानों को पिता नहीं माता के कुल नाम से जाना जाता था, और जो औरत को, जो नारी को जो संतान होती थी उन्हें पिता के नाम से नहीं जाना जाता था, माता के कुल संतान के नाम से जाना जाता था। संपत्ति और सत्ता की अधिकारिणी माता होती थी, और संपत्ति और सत्ता की, यानी जो संपत्ति होती थी उसकी जो पूंजी होती थी और जो सत्ता, जो अथॉरिटी है उसकी अधिकार, उसका अधिकारी कौन होती थी, माता होती थी। इस व्यवस्था के विकास ने आगे जाकर राज्य को जन्म दिया, और इस व्यवस्था के विकास ने आगे जाकर क्या किया, राज्य को जन्म दिया। अब हम देखेंगे बच्चों की जो मातृसत्तात्मक सिद्धांत है उसकी आलोचना या उसकी बुराइयां या कमियां। अत्यंत सरलीकरण, मातृ प्रधान और पितृ प्रधान दोनों के उदाहरण मिलते हैं। राजनीतिक नहीं सामाजिक सिद्धांत है। अन्य तत्वों की इसमें क्या है, उपेक्षा की गई है, और नारी पुरुष की अपेक्षा निर्बल होती है। यानी मातृसत्ता की, मातृसत्तात्मक सिद्धांत की आलोचना में कहा गया है कि नारी जो होती है वो पुरुष की अपेक्षा निर्बल होती है। यानी कि पुरुष को क्या है, पुरुष तो क्या होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, और नारी मतलब कम शक्तिशाली होती है, तो वो किसी का सामना जल्दी से नहीं कर सकती, तो नारी पुरुष की अपेक्षा निर्बल होती है। अब हम देखेंगे मातृसत्तात्मक सिद्धांत का महत्व। इस सिद्धांत का महत्व भी पितृसत्ता सिद्धांत के समान है। रक्त संबंध राज्य के विकास का महत्वपूर्ण बिंदु है। यानी कि राज्य के विकास का महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, रक्त संबंध, यानी कि खून का रिश्ता, जिसका यह सिद्धांत निरूपण करता है। अब हम देखेंगे बच्चों की शक्ति सिद्धांत क्या होता है, द फोर्स थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का एकमात्र कारण शक्ति है। यानी राज्य की उत्पत्ति का एकमात्र कारण कौन सा है, इसकी उत्पत्ति का रीजन क्या है, शक्ति है। राज्य का उदय शक्तिशाली व्यक्तियों के द्वारा निर्बल व्यक्तियों को अपने अधीन करने की प्रकृति के कारण हुआ है। और राज्य का उदय क्यों हुआ है, क्योंकि जो शक्तिशाली जो लोग थे, जो बलवान, जो बुजुर्गा लोग थे, यानी कि जो पैसे वाले या जो शक्तिशाली लोग थे, वो क्या करते थे, जो निर्बल लोग हैं उन पर अत्याचार करते थे और उन पर शासन करते थे। तो निर्बल व्यक्तियों को अपने अधीन करने की प्रकृति के कारण क्या हुआ है, राज्य का उदय हुआ है। दूसरे शब्दों में युद्ध राज्य की उत्पत्ति का प्रमुख कारण था। और युद्ध क्या था, मतलब लड़ाई झगड़े राज्य की उत्पत्ति का प्रमुख कारण था। युद्ध में विजेता शासक और पराजित प्रजा बन गए। और युद्ध में क्या हुआ, जो युद्ध में जीता वो तो शासक बन गया, यानी कि शासन करने वाला बन गया, और जो हारा, यानी कि जो पराजित हुआ, वो क्या बन गई, प्रजा बन गई, यानी कि जनता बन गए। इस प्रकार युद्ध शक्ति को पैदा करता है और शक्ति राज्य को जन्म देती है, तथा शक्ति ही इसे कायम रखती है। बिस्मार्क के अनुसार राज्य का आधार रक्त और लोहा होना चाहिए। ट्रित्स्के के अनुसार राज्य में आक्रमण करने और रक्षा करने का जन शक्ति है। इस संदर्भ में शक्ति सिद्धांत की निम्न विशेषताएं सामने आती है। हमने मतलब शक्ति सिद्धांत की, अब हम देखेंगे शक्ति सिद्धांत की विशेषताएं, कि उसमें क्या क्या अच्छी बातें हैं। तो शक्ति राज्य की उत्पत्ति का एकमात्र आधार है। शक्ति का आशय भौतिक और सैनिक शक्ति से है। यानी शक्ति का आशय किसका है,
किससे है, जो भौतिक और जो अभी हमारे पास है जो शक्ति है, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई देश हमारे पर आक्रमण करता है या कोई राज्य हमारे पर आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश करता है तो हम उससे सामना कर सके। तो शक्ति का आशय किससे है, भौतिक और सैनिक शक्ति से। प्रभुत्व की लालसा और आक्रामकता मानव स्वभाव का अनिवार्य घटक है, यानी कि ये बहुत ही जरूरी घटक होते हैं, लालसा और आक्रामकता और मानव स्वभाव। प्रकृति का नियम है कि शक्ति ही न्याय है, और प्रकृति का नेचर का ये रूल है, ये नियम है कि शक्ति ही पावर ही क्या है, जस्टिस है या न्याय है। प्रत्येक राज्य में अल्पसंख्यक शक्तिशाली शासन करते हैं और बहुसंख्यक शक्तिहीन अनुकरण करते हैं। वर्तमान में राज्यों का अस्तित्व शक्ति पर ही केंद्रित है, और वर्तमान में क्या है, राज्यों का अस्तित्व किस पर केंद्रित है, शक्ति पर या पावर पर। अब हम देखेंगे बच्चों की शक्ति सिद्धांत का प्रयोग कहाँ और किस प्रकार हुआ है। पहला है, मध्य युग में धर्म गुरुओं ने राज्य को दूषित और चर्च को श्रेष्ठ संस्था बताने में किया है। शक्ति सिद्धांत का प्रयोग कहाँ किया है, मध्य युग में धर्म गुरु जो थे उन्होंने राज्य को दूषित और चर्च को श्रेष्ठ संस्था बताने में शक्ति सिद्धांत का प्रयोग किया है। दूसरा है, व्यक्तिवादियों ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता में सरकार के हस्तक्षेप को रोकने के लिए इसका उपयोग किया है। तीसरा है, अराजकतावादी समाजवादी विचारकों ने भी व्यक्ति की स्वतंत्रता हेतु इस सिद्धांत का प्रयोग किया है। फांसीवादी और नाजीवादियों ने भी इस सिद्धांत का समर्थन और प्रयोग किया है। अब हम देखेंगे जो शक्ति सिद्धांत है उसकी आलोचना, उसकी बुराई है या उसकी कमियां। तो पहला है इसकी आलोचना में कि शक्ति राज्य की उत्पत्ति का एकमात्र तत्व नहीं है, यद्यपि इसने राज्य की उत्पत्ति में प्रमुख भूमिका का निर्वाह किया है। यानी कि शक्ति क्या है, राज्य की उत्पत्ति का एकमात्र तत्व नहीं, इसने क्या किया है, राज्य की उत्पत्ति में भी प्रमुख भूमिका निभाई है, परंतु इसकी उत्पत्ति के अन्य कारण जैसे चेतना, धर्म, रक्त संबंध आदि भी रहे हैं। दूसरा है, TH ग्रीन के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का आधार इच्छा है न कि शक्ति। लोगों की इच्छा के बिना न तो राज्य संगठित हो सकता है, यानी कि ना तो राज्य बन सकता है और न ही कायम रह सकता है, यानी कि ना ही बना रह सकता है। लोग राज्य के आदेशों का पालन शक्ति के भय से नहीं करते, अपने विवेक और बुद्धि से करते हैं। शक्ति सिद्धांत जिसकी लाठी उसकी भैंस जैसे जीवित रहने का अधिकार है। चौथा, यह सिद्धांत राज्य को निरंकुश बनाता है, जिसके लोगों की स्वतंत्रता का लोप और जनतंत्र का विनाश होता है। पांचवा है, यह सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय शांति और विश्व बंधुत्व का विरोधी है। शक्ति पर ही जोर देने के कारण यह एक साम्राज्यवादी सिद्धांत है। छठा है, यह सिद्धांत केवल भौतिक शक्ति पर जोर देता है, आधुनिक युग में आध्यात्मिक, तकनीकी और वैधानिक शक्ति को भी महत्व दिया जाता है। अब हम देखेंगे बच्चों जो शक्ति सिद्धांत है उसका क्या महत्व है। इन आलोचनाओं के अनुसार, यानी कि इन बुराइयों या इन कमियों के अनुसार, राज्य की उत्पत्ति में शक्ति सिद्धांत मान्य नहीं है, यानी कि राज्य की उत्पत्ति में जो शक्ति सिद्धांत है वो मान्य नहीं है, परंतु राज्य के जन्म और विकास में शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्राचीन समय में अराजक समाज को संगठित करने में तथा अनुशासन और आज्ञा पालन का भाव शक्ति के कारण ही आया है। आधुनिक समय में भी जब राज्य शक्तिशाली नहीं होते हैं तो अराजकता और विघटन का शिकार हो जाते हैं। तो बच्चों, हमने इस वीडियो में हमारा जो अध्याय है, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, दैवीय शक्ति मात्र व पितृसत्तात्मक, कंप्लीट कर लिया है। अगले वीडियो में मिलते हैं बच्चों अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए